हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टिकटॉक के अंदर तीन काफी कमाल के नए अपडेट आए हैं। अगर आप टिकटॉक के ऊपर प्रोफेशनल वीडियोस बनाते हो, फिर आप प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हो और गाइस आप अपने टिकटॉक के ऊपर अपने व्यूज, लाइक्स और फैंस को इंक्रीज करना चाहते हो, तो गाइस ये जो नए टिकटॉक के अपडेट आए हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सो गाइस आपको इनका जरूर पता होना चाहिए अगर आप टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाते हो। सो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक सारा रहिएगा, सो लेट्स स्टार्ट। साथ में गाइस, अगर आपने मुझे अभी तक यहाँ पर टिकटॉक के ऊपर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, रोबिन चावला यहाँ पर नेम है। टिकटॉक तीन नए अपडेट आए हैं गाइस, ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हैं अगर आप टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियोस को अपलोड करते हो, तो ये आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। सबसे पहला फीचर या फिर आप कह सकते हो अपडेट है, वो ये है कि अब गाइस यहां पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन से कमेंट्स को हाइड करना चाहते हो। जैसे कि अगर आप टिकटॉक के ऊपर कोई वीडियोस बनाते हो और लोग आपकी वीडियोस के ऊपर कोई गंदे कमेंट करते हैं, तो इस यहाँ पर अब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप जो 18 प्लस कंटेंट है यानी कि जो घटिया कमेंट है उनको आप ऑन ही रखना चाहते हो या फिर बंद रखना चाहते हो। यानी कि अगर आपकी वीडियोज़ के ऊपर कोई घटिया टाइप का कमेंट करेगा तो इस वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, उसका कमेंट वहाँ पर आपका शो नहीं होगा, वो आपकी वीडियोज़ के ऊपर कमेंट नहीं कर पाएगा। गाइस अगर कोई स्पैम या ऑफेंसिव कमेंट करता है तो गाइस यहाँ पर आप इस ऑप्शन को यहां पर इनेबल कर सकते हो। और गाइस जब ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा तो गाइस अब कोई भी कोई घटिया कमेंट करेगा उसका कमेंट ऑटोमेटिकली यहां पर ऑफ हो जाएगा और गाइस वो आपकी वीडियोस के ऊपर कमेंट नहीं कर पाएगा। साथ ही में गाइस यहां पर एक सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है, फिल्टर कीवर्ड। इसके लिए गाइस यहां पर आपने इस फिल्टर कीवर्ड के ऊपर टैप कर देना है। अब गाइस यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड कीवर्ड। अब गाइस यहां पर आपने इस ऐड कीवर्ड के ऊपर टैप कर देना है। अब गाइस यहां पर आ जाएगा अप टू 30 कैरेक्टर्स। अब गाइस यहां पर आपने वो वर्ड लिखना है, वो कैरेक्टर लिखना है जो कि आप फाइट करना चाहते हो। जैसे कि अगर आपके कमेंट के अंदर कोई हेलो लिखे और गाइस आप चाहते हो कि आप ऐसा कमेंट ना आने दो जिसके अंदर आपने ये जो डिसाइड किया है वो हो, वो वाला कमेंट वहां पर ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाएगा और गाइस कोई भी आपका बिल्कुल ऐसा कमेंट नहीं कर पाएगा। यहां पर आप कोई भी वर्ड एंटर कर दोगे तो गाइस इस वर्ड से रिलेटेड जो भी कमेंट आएगा गाइस वो ऑटोमेटिकली ही वहां पर डिलीट हो जाएगा और गाइस वो कमेंट नहीं कर पाएगा। सो गाइस अब आप ये भी डिसाइड कर सकते हो और गाइस यहां पर आप कोई भी वर्ड डाल सकते हो जो आप चाहते हो कि इस टाइप का कमेंट आपकी वीडियोस के अंदर ना आए। सो गाइस ये काफी बढ़िया है। गाइस आप चाहे तो इसको यहां पर ऑफ भी कर सकते हो। आप गाइस यहां पर मल्टीपल भी यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो, आपके सामने काफी सारे मल्टीपल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइस आप जिस भी टाइप से कमेंट को यहां पर बंद करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो कि ऐसा कमेंट ना आए, सो गाइस आप उसको बड़ी आसानी से बंद कर सकते हो या फिर गाइस आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। इस अपडेट को यहां पर देखना चाहते हो तो गाइस यहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है और गाइस ऊपर यहां पर आपको थ्री डॉट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहां पर आपकी प्राइवेसी एंड सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, उसके बाद गाइस प्राइवेसी एंड सेफ्टी के ऊपर आपने टैप कर देना है। उसके बाद गाइस यहां पर आपको नीचे देखने को मिल जाता है कमेंट फिल्टर का ऑप्शन। सो गाइस ये काफी बढ़िया है। उसके बाद जो सेकंड अपडेट है वो है लैंग्वेज का अपडेट। अब गाइस यहां पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, एड लैंग्वेज। गाइस पहले तो जो आपकी ऐप थी आप उसकी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते थे, बट गाइस अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलने वाला है एड लैंग्वेज। यानी कि गाइस जो आपकी टिकटॉक के अंदर वीडियोस आती हैं अब यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि वो किस लैंग्वेज के अंदर हो। यानी कि गाइस यहाँ पर आप दोस्तों जो भी यहाँ पर आपको कंटेंट देखने को मिलता है ये कौन सी लैंग्वेज के अंदर आए, ताकि यहाँ पर आप उसको डिसाइड कर सकते हो। इसके लिए गाइस यहाँ पर आपको आपकी थ्री डॉट्स के ऊपर टाइप करना होगा और गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और गाइस यहाँ पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस यहां पर आपने इस ऐड लैंग्वेज के ऊपर टैप कर देना है। अब गाइस आप किस लैंग्वेज के अंदर आपकी वीडियोस आए वो यहां पर आप बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपकी वीडियो आए उनकी लैंग्वेज, जो भी कंटेंट क्रिएटर हो उनकी लैंग्वेज इंग्लिश हो, जो कि इंग्लिश में वीडियोस अपलोड कर रहे हो, तो गाइस यहां पर आप इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हो। और भी गाइस यहां पर आपको काफी सारी लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपको कोई मराठी वीडियोस मिले तो गाइस यहां पर आप मराठी सिलेक्ट कर सकते हो, संस्कृत सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हो, बंगाली सिलेक्ट कर सकते हो, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, यहां पर आप जिस भी टाइप की लैंग्वेज हो आपकी, अपने गाइस यहां पर आपको कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी गाइस यहां पर आप सिलेक्ट करना चाहते हो। गाइस उसके बाद आपने इस डन के ऊपर टैप कर देना है। अब गाइस आपको जो मोस्टली वीडियो दिखाई देंगी आपको इसी के अंदर दिखाई देंगी, आपकी इस लैंग्वेज के अंदर। आप गाइस इस ऐड लैंग्वेज के ऊपर एक बार और टैप कर सकते हो और साथ ही गाइस कोई और लैंग्वेज भी यहां पर सेट कर सकते हो। उसके बाद गाइस आपने डन कर देना है। अब गाइस यहां पर आप देखते हो आपकी दो लैंग्वेज यहां पर सेलेक्ट हो चुकी हैं। यानी कि गाइस अब जो मुझे यहां पर वीडियो दिखाई देंगी वो हिंदी में और मराठी में दिखाई देंगी। ऐड लैंग्वेज के ऊपर टैप करके गाइस यहां पर आप और भी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपने कोई कंटेंट यहां पर गायब करना है तो गाइस यहां पर आपने डिलीट के ऊपर एक बार टैप कर देना है और गाइस वो आपकी लैंग्वेज वहां पर रिमूव हो जाएगी और गाइस अब आपको सभी टाइप की वीडियो देखने को मिलने वाली। अपडेट है उसके लिए गाइस यहां पर आपको इस प्लस के आइकन के ऊपर टैप कर देना है। अब गाइस यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टाइमर का। गाइस इस टाइमर के ऊपर टैप कर देना है। अब गाइस आपको इस ऑप्शन का पता ही होगा अगर आप रोज टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाते हो। गाइस यहां पर अगर आप स्टार्ट शूटिंग के ऊपर टैप करोगे तो गाइस आप बिना यहां पर इसको होल्ड किए ही रिकॉर्ड बटन को यहां पर आप अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे। इससे पहले यह होता था कि आपको सिर्फ
3 सेकंड का ही काउंटडाउन मिलता था और उसके बाद आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। बट गाइस अब यहाँ पर एक अपडेट कर दिया गया है। अब गाइस यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप चाहे तो 3 सेकंड का काउंटडाउन ले सकते हो या फिर 10 सेकंड का भी काउंटडाउन ले सकते हो। सो गाइस जब आप यहाँ पर स्टार्ट शूटिंग के ऊपर टैप करोगे तो गाइस यहाँ पर 10 तक काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस जब ये 10 तक काउंट कर लेगा तो गाइस यहाँ पर आपकी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप चाहे तो इसको 3 तक भी कर सकते हो, बट गाइस ये 3 तो पहले ही था, यहाँ पर 10 सेकंड के बाद ही आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए गाइस यहाँ पर आपको स्टार्ट शूटिंग के ऊपर टैप कर देना होगा। अब गाइस यहां पर आप देखते हो यहां पर 10 सेकंड का काउंटडाउन यहां पर स्टार्ट हो चुका है और गाइस 10 सेकंड कंप्लीट होते ही आपकी वीडियो यहां पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस ये फीचर अगर आप टिकटॉक के ऊपर रोज वीडियो बनाते हो तो गाइस ये यहां पर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। इसी अपडेट के अंदर इसी से रिलेटेड एक और यहां पर ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, मार्क द स्टॉप पॉइंट। गाइस आप यहां पर टिकटॉक के अंदर लगभग 1 मिनट तक की वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। अगर आप अपनी खुद की वॉइस के अंदर कोई वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो तो गाइस यहां पर आप अपना टाइमर सेट कर सकते हो कि कितने टाइम तक आपकी वीडियो यहां पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट रहे। गाइस अगर आप चाहते हो कि 20 सेकंड तक ही आप वीडियो बनाओ या फिर 16 सेकंड, तो गाइस उसको यहां पर अपने टाइम को सेट कर देना है और गाइस यहां पर स्टार्ट शूटिंग के ऊपर टैप कर देना है। अब गाइस ये आपकी वीडियो को सिर्फ 16 सेकंड तक ही यहां पर रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद गाइस ये ऑटोमेटिकली ही यहां पर बंद हो जाएगा। सो गाइस ये थे 3 टिकटॉक के नए अपडेट जो कि आपको काफी ज्यादा यूज आने वाले हैं। आप कमेंट करिए, कुछ पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।